हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही गजब का आइडिया, जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आने वाला है। और देखिए, मैंने लिया है एक ब्लाउज पीस। तो ब्लाउज पीस मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था और ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है, आप मैचिंग का ले सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैच हो रहा था तो मेरे पास यही कपड़ा था एक मैच होने के लिए, तो मैंने फिर यही ले लिया क्योंकि ये दिख नहीं रहा था इसलिए। और इसकी जो टोटल लंबाई मैं लेने वाली हूँ अस्तर की 15 इंच की, तो आपको अपने कमर तक का नाप ले लेना है जहाँ तक आपको ये अस्तर लगाना है। तो मैं बनाने वाली हूँ कुर्ती या टॉप, कुछ भी बोल सकते हो, इसको लॉन्ग टॉप भी बोल सकते हो या फिर कुर्ती भी बोल सकते हो, क्योंकि आजकल लॉन्ग टॉप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। अब देखिए, इसका शोल्डर मैंने रख दिया है 6 इंच का और 5.5 इंच हो जाएगा ये सिलाई वगैरह लगा के। और ये देखिए 2.5 इंच करीब का मैंने गला रख दिया है और इस तरीके से यहाँ से मैंने 4 इंच का ये रख दिया है आर्म होल। और अब हम सीधा मार्जिन लगाएंगे। अभी यहाँ से पहले देखिए, मैं यहाँ से भी नाप लेती हूँ। यहाँ से 5.25 इंच का रखा है आर्म होल और ऊपर से 6 इंच का रखा है। और इस तरीके से हम इसको मिला देंगे, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। और इसे हम गले को 4 इंच का लेने वाले हैं क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ज़्यादा बड़े साइज का नहीं बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने निशान लगा दिया। आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हो गले में, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहो। तो मैं राउंड शेप दे देती हूँ इसमें। तो इस तरीके से देखिए, राउंड शेप दे दिया है मैंने और आर्म होल पर भी आपको शेप दे देना है। अब चलिए चेस्ट भी नाप लेते हैं। चेस्ट नहीं नाप आया अभी मैंने, तो लूजिंग लेते हुए मैंने 6.5 इंच पर इसको चेस्ट को नाप दिया है और 1 इंच सिलाई के लिए, तो 7.5 इंच टोटल ले लिया है क्योंकि ज़्यादा मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी मोटे नहीं होते हैं। और टोटली मतलब 7.5 इंच हो जाएगा ये। और आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा लूज लेके ही बनाना, और ऐसे ही मैं भी लूज लेके ही बना रही हूँ। तो वैसे तो मुझे 5.25 या 6 इंच चाहिए था, लेकिन मैंने 5.5 इंच रखा लूजिंग लेते हुए और 1 इंच मार्जिन के लिए रखा। अब देखिए, शोल्डर पर मैंने आधा इंच करीब नीचे से इस तरीके से निशान लगा दिया और उतना ही आपको नीचे से आर्म होल को भी बढ़ा देना है। अब इसको कटिंग कर लेनी है जैसे जैसे हमने इसको नाप लगाया है। अब आगे के हिस्से को हम अलग कर लेते हैं, पीछे के हिस्से को हम अलग कर लेते हैं क्योंकि हम गला अलग अलग बनाएंगे दोनों में, क्योंकि पीछे का गला मैं बंद बनाने वाली हूँ और आगे का गला मैं थोड़ा सा खुला बनाने वाली हूँ। तो ये है आगे का गला 4 इंच का। अब चलिए, इसमें जो आर्म होल है उसमें भी हम थोड़ा सा लगा देते हैं कट। 1/2 इंच करीब आपको बैक साइड से इस तरीके से निशान लगाना है नीचे से और इसको सीधा कट कर, मतलब जैसे जैसे हमने राउंड शेप में निशान लगाया है वैसे वैसे आपको कट कर देना है। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट, गला कट कर दिया, आर्म होल को कट कर दिया। अब दूसरा जो बैक पार्ट है उसका हमें शोल्डर को नाप लेना है बराबर। अब मैं गला तो देखिए छोटा सा रखने वाली हूँ, 1.5-2 इंच का करीब, और नीचे से मैं इसलिए बढ़ा रही हूँ ताकि पहनने में आसानी हो टॉप को। अगर कभी कभी क्या होता है गला छोटा रह जाता है तो पहनने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी बटन या फिर डोरी, कुछ भी लगा सकते हो। डोरी तो अच्छी नहीं लगेगी बच्चे का है, तो इसीलिए तो मैं इसमें बटन लगा दूंगी ताकि गला भी छोटा ना रहे और हमारे जो गले का लुक है वो भी अच्छा लगे। और देखिए, हमने जो ब्लाउज पीस लिया है उसको आपको इस तरीके से उल्टा रखते हुए और जो हमने हमारा जो अस्तर है उसको पूरी तरीके से सेट कर देना है आल्पिन की सहायता से। तो देखिए, इस तरीके से मैंने चारों साइडों से इसको अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। अब हमें इसको देखिए कपड़े को सीधा कट कर देना है क्योंकि हम नीचे इसकी साइड में अस्तर को नहीं लगाने वाले हैं, सीधी कुर्ती बनाने वाले हैं। केवल हमने जो अस्तर लगाया है वो कमर तक का केवल, आप अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा लेना चाहते हो उतना लंबा आप लगा सकते हो। अगर आप पूरी ही कुर्ती में लगाना चाहते हो अस्तर तो पूरी कुर्ती में लगा सकते हो अगर आप कमर तक, लेकिन आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में कि कमर तक अस्तर होता है, नीचे वैसे ही होता है। और आजकल तो नेट के भी होते हैं, सिंपल कमर तक का अस्तर होगा और नीचे नेट ओपन होगी, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है और बिल्कुल मैं वही चीज़ बनाने वाली हूँ। अब देखिए, हमने आर्म होल पर और गले पर इस तरीके से निशान मतलब सिलाई लगा ली है। अब जो हमने सिलाई लगाई है पहले इसको हम कट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसमें अस्तर वाला तो हमारा बराबर कटा ही हुआ है, जो साड़ी वाला है उसको हमने सीधा कट कर दिया है इस तरीके से। अब आपको देखिए, इसमें कट्स लगाने हैं, जहाँ सिलाई है वहाँ तक आपको कट्स लगाने हैं, सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपको, ये ध्यान रखना है। तो गले पर और दोनों आर्म होल पर मैंने
कर्ट्स लगा दिए हैं, और ये कर्ट्स लगाने के बाद में ये क्या होता है, आराम से पलट जाता है। अगर आप कर्ट्स नहीं लगाओगे ना तो पलटेगा नहीं ये। अब देखिए इसको हमने पलटने के बाद में अब ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए ऊपर से फिनिशिंग के साथ में। तो देखिए इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी बहुत ही अच्छी, और इसमें पाइपिंग वगैरह लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी लेस वगैरह लगानी है या फिर डिजाइन वगैरह डालनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। अब देखिए मैंने इस तरीके से बैक पार्ट को रेडी कर दिया, उसी तरीके से फ्रंट पार्ट को भी रेडी कर दिया सिलाई वगैरह लगा के। अब हमें देखिए नीचे वाला पार्ट है, अब ये ओपन है तो इसको हम फोल्ड करके थोड़ी सी सिलाई लगा देंगे, क्योंकि फिर इसमें से धागे वगैरह निकलेंगे तो उसके साथ में नहीं सिलना है आपको। अगर सिलना चाहो तो सिल सकते हो, लेकिन क्या होगा कि सिलाई दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसीलिए मैं नहीं सिल रही हूँ। तो डायरेक्ट वैसे ही मैंने लगा दिया सिलाई। अब दूसरे वाले पार्ट को भी मैंने बराबर से कट कर लिया है। अब देखिए शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए दोनों पार्टों का आपको दोनों में सिलाई लगा देनी है सीधी। तो देखिए शोल्डर पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगा दी है इसमें, और इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट में मतलब दूसरी साइड में भी सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइडों में सेम तरीका है। तो देखिए इसमें और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है इसको बनाने का, और अगर आप एक बार पूरी वीडियो को देख लोगे तो आप भी बना लोगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। अब देखिए यहाँ तक मैंने जो अस्तर है उससे थोड़ा सा नीचे तक सिलाई लगा ली है, और यहाँ पर नीचे की साइड में थोड़ी सी मैंने कच्ची ही सिलाई लगाई है, क्योंकि अभी मुझे नीचे से भी फोल्ड करके जो हमारे चाक जो बोलते हैं उन्हें भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है, फिर बाद में पक्की वाली सिलाई लगा दूंगी। तो देखिए दोनों तरफ मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा ली, और इसकी टोटल लंबाई मैं आप लोग को बता दूँ ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए। तो ये लॉन्ग कुर्ती है, 32 इंच इसकी टोटल लंबाई है, और अभी 1 इंच करीब इसमें से सिल जाएगा, तो मतलब 31 इंच हो जाएगी टोटल। अब देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है मैंने, और आपको चारों साइड में आप सिलाई लगा देनी है जहाँ जहाँ कुर्ती में नीचे की साइड में लगती है ना चाक वगैरह, जो चाक बोलते हैं इसको, चाक बनाते हैं, वो आपको बना लेने हैं इस तरीके से। तो देखिए सिंपल तरीके से ये मैंने दोनों साइडों से सिल दिया है, और आपको जो नीचे वाला हिस्सा है उस वहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है फिर, और फिर आपको फिटिंग वाली भी सिलाई अच्छे से लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती जो है रेडी हो जाएगी। अब हम देखिए यहाँ से इसको सीधा करके दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी कुर्ती हो चुकी है, अभी फाइनल नहीं है लुक इसका। तो देखिए इस तरीके से हमने रेडी कर दिया है। अब इसमें हम बटन वगैरह लगा लेते हैं, या फिर आप डोरी भी लगा सकते हो, लेकिन डोरी नहीं लगा रही हूँ, बटन लगा रही हूँ। तो बटन के लिए मैंने धागा पो लिया है, बटन ले लिया है एक प्यारा सा, और बटन को पहले मैं टक कर देती हूँ। फिर बटन के लिए हमें एक चाहिए काज, और इस तरीके से मैंने कपड़े का ही सिल के इसमें लगा दिया दूसरी साइड में, और इस तरीके से ये बटन के लिए दोनों साइड में हुक बटन और काज हो जाएंगे इस तरीके से कपड़े के। और गाइस ये हमारी प्यारी सी कुर्ती बनके रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस जरूर करना। अगर आपको इसमें कोई भी डिज़ाइन डालनी है तो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। बाय बाय।